नागपुर महानगर पालिका का बोगस कारोबार एवं मनपा आयुक्त की तानाशाही और अधिकारियों की मनमानी के विरोध में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान चौक पर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। नागपुर महानगर पालिका में जब से प्रशासन अभिजीत चौधरी ने पदभार संभाला है, तब से मनपा के अधिकारी और कर्मचारी अपनी मर्जी से ऑफिस में आते जाते हैं। आम जनता जब विभागीय जोन में किसी समस्या को लेकर पहुंचते हैं, तो वहां पर वार्ड अधिकारी और उनके जोन के अधिकांश अधिकारी सीट पर नहीं मिलते हैं। कुछ जोन के अधिकारियों को दो जोन का चार्ज दिया गया है, वहां पर जवाब मिलता है कि धर्मपेट जोन में गए हैं। अगर लोग धर्मपेट जोन में गए तो वहां पर जानकारी मिलती है कि वार्ड अधिकारी मंगलवारी जोन में गए हैं। वहां के कर्मचारियों को बताने के बाद भी कि उपरोक्त अधिकारी मंगलवारी जोन में नहीं है, तो वो बताते हैं कि हेड ऑफिस में गए होंगे। इस प्रकार से नागरिकों को इधर उधर भटकते हुए परेशानी हो रही है। अतिरिक्त आयुक्त के पास समस्या के लिए जाते हैं तो वे बताते हैं ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उसके बाद जब मनपा प्रशासक के पास समस्या के लिए जाते हैं तो प्रशासक उर्फ मनपा आयुक्त सप्ताह में एक बार सिर्फ शुक्रवार को दोपहर 4 बजे मिलते हैं, बाकी दिन में आम जनता से नहीं मिलते हैं। अगर उनके कार्यालय के बाहर ऊंची आवाज में बात की तो वो पुलिस को बुला देते हैं। आखिर जनता किसके पास फरियाद लेकर जाए। नागपुर महानगर पालिका में जब से लेकर ये तत्काल ये आयुक्त आए हैं, तब से लेकर महानगर पालिका में लोगों से जितने भी अधिकारी हैं, जैसे जोन के अधिकारी हैं वो मिलते नहीं हैं, वार्ड अधिकारी है वह मिलता नहीं है, कुछ कुछ वार्ड अधिकारियों को एडिशनल चार्ज दिया गया है। अब एक मंगलवारी जोन में जाओ तो वहाँ पर जवाब मिलता है कि वो धर्मपेट जोन में गए हैं, अगर धर्मपेट जोन में जाओ तो बोलते मंगलवारी जोन में गए हैं, वहाँ पर बताना पड़ता है कि मंगलवारी में भी नहीं है तो बोले सिविल गए होंगे। जब कोई अधिकारी वहाँ ना डिप्टी इंजीनियर मिलता है ना कोई अधिकारी मिलता है, उसके बाद अगर एडिशनल कमिश्नर के पास जाते हैं कि भाई ये समस्या है तो एडिशनल कमिश्नर बोलता है मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। अब अधिकार नहीं है तो फिर कमिश्नर के पास जाना पड़ता है, कमिश्नर साहब हफ्ते में सिर्फ एक दिन मिलते हैं वो भी शुक्रवार के दिन शाम को 4 बजे, और उनके कैबिन के बाहर कोई पार्टी नहीं लगी है कि इनका मिलने का समय कौन सा फिक्स है। अगर जिलाधिकारी के पास भी जाते हैं तो वो डेली 4 से 5 बजे तक मिलता है, इसके पहले भी आयुक्त थे वे डेली 4 से 5 बजे तक मिलते थे, अब इनके पास ये मिलते नहीं है। अगर 4 से वो 6 बजे तक मिलते हैं उसमें भी 10-15 लोग वो के नाम नंबर दे देते हैं, अगर नंबर उस दिन लग गया तो ठीक है, नहीं तो बोलते अगले शुक्रवार को आओ। अब अगर कोई हम जैसे जनप्रतिनिधि है, हम लोगों की समस्या लेके जाते हैं और वहाँ पर थोड़ी ऊंची आवाज में उनके ऑफिस के बाहर बात करते हैं तो पुलिस को बुला लेते हैं। अब ये कारपोरेशन का जो भोंगर कारोबार है, बोगस कारोबार है, कोई अधिकारी नहीं मिलेगा तो क्या जनता अपनी आवाज नहीं उठा सकती है? महानगर पालिका में इस तरीके से तानाशाही चल रही है, उस तानाशाही के विरोध में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर आंदोलन किया है, और हम अगर ये उनके में बदलाव नहीं आता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे नागपुर शहर के अंदर में हर वार्ड वार्ड जोन जोन में इसकी आंदोलन करेगी। इस तरह मनपा में तानाशाही और बोगस कारोबार शुरू है, आम नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए आज ये आंदोलन किया गया है, ऐसी जानकारी राकापा के वेद प्रकाश आर्य द्वारा दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।